हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का और छोटे भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ पार्ट फर्स्ट। इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी सीरीज चल रही है, उसका पार्ट फर्स्ट 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए। प्यारे साथियों, कॉपी पेन नोट डाउन, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन करना शुरू करिए किस तरह से हमें पढ़ना है। पर डे में आपको जैसे मैंने 5 आइटम्स फ्रेजेस पढ़ाए हैं, उनके मैंने आपको 5 पार्ट दिए हैं, उनके भी 5 पार्ट और आने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आप बोर ना हो जाएं, आपको प्रोजेक्ट फील ना हो, मतलब बोरियत ना आ जाए, उबाऊपन ना हो, तो प्यारे साथियों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको अच्छा लगे, सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही मैं एंटोनिम्स की सीरीज लेके आने वाला हूँ, वन वर्ड की सीरीज लेके आने वाला हूँ, मिस स्पेल्ड एंड करेक्टली स्पेल्ड की सीरीज लेके आने वाला हूँ, और बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रामर के कंसेप्चुअल जो फंडामेंटल्स हैं वो भी लेके आने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट्स के साथ। और पेपर भी हम लोग करेंगे, जो भी प्रैक्टिस पेपर हैं। तो आज ही अभी मेरे साथ 20 मिनट बैठना है और अभी 20 मिनट में ये 20-20 जो वर्ड हैं आपको आज सीख के जाने हैं। ये घर के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब यही सीखना है। बस एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट डाउन करना शुरू किए, जो मैं बताऊं बस वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सब टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले एक वर्ड है सावंत। सावंत क्या है? एक एडजेक्टिव है, पीछे एएनटी आ रही है। सावंत किसी शब्द के पीछे एएनटी आएगी, वो एडजेक्टिव है, नोट डाउन कर लीजिए। सावंत से मुझे याद आएगा राखी सावंत, और राखी सावंत एक कैसी एक्ट्रेस है? बुद्धिमान एक्ट्रेस है। प्लीज आप नोट डाउन करना शुरू किए जो मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक्स, ठीक है ना? सावंत से क्या याद आ रहा है? सावंत का मतलब है राखी सावंत, और राखी सावंत कैसी एक्ट्रेस है? एक बुद्धिमान एक्ट्रेस है। आप सभी बोलिए मेरे साथ, राखी सावंत एक बुद्धिमान एक्ट्रेस है। सावंत का मतलब पता चला, स्कॉलर, बुद्धिमान, कोई भी विद्वान। वाइज भी इसका एक्यूरेट है, इंटेलिजेंट, एंड सेज माने होता है योग्य, बुद्धिमान, मास्टर भी सही है, और प्रूडेंट, PRUDENT। ओके, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सावंत से क्या याद आएगा? राखी सावंत। राखी सावंत कैसी एक्ट्रेस है? बुद्धिमान एक्ट्रेस है। सभी मेरे साथ नोट डाउन करिए जो मैं हिंदी में लिखा रहा हूं, राखी सावंत एक बुद्धिमान एक्ट्रेस है। और सर यहां बुद्धिमान मतलब सावंत एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। स्कॉलर सही सिनोनिम्स है, वाइज भी बिल्कुल सही है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट भी बिल्कुल सही है। सेज का मतलब होता है पर्सन हैविंग अ ग्रेट नॉलेज इन एनी लाइक सब्जेक्ट, और ठीक है ना, विद्वान, मास्टर हो गया। एंड प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब भी क्या है? बुद्धिमान है। तो प्यारे साथियों सावंत को कैसे याद आया? सावंत से हमें याद आएगी राखी सावंत, और राखी सावंत कैसी एक्ट्रेस है? बुद्धिमान। सेकंड चलते हैं अपोजी। अपोजी से मुझे बताइए क्या याद आ रहा है? अपोजी से याद आया अपोज, और जब से केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया है वो कहां पहुंच गया है? शिखर पर पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए? जब से अपोजी से मुझे याद आया अपोज, और जब से केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया है, जब से केजरीवाल ने क्या किया है? मोदी जी का अपोज, विरोध किया है। तो केजरीवाल ये बताइए, जब से बीजेपी के खिलाफ वो अपोज में गया है वो शिखर पर पहुंच गए हैं। मतलब सर चोटी को बोलते हैं अपोजी, एक नाउन है। अपोजी क्या है? अपोजी एक नाउन है, और राखी सावंत मतलब एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये नाउन है। तो अपोजी से हमें याद आया समिट। समिट का मतलब भी चोटी है। पिनेकल, PINACLE, पिनेकल का मतलब भी चोटी है। जेनिथ, ZENIT है, जेनिथ का मतलब भी पी क्या? चोटी है। एक और इसका हो सकता है PEAK, पीक माने चोटी। टॉप भी इसका हो सकता है, किसी चीज का टॉप मोस्ट या टॉप। और अपेक्स, अपेक्स, अपेक्स का मतलब भी क्या है? पीक, चोटी। तो अपोजी से आपको क्या याद आ रहा है? अपोजी से याद आया अपोज, और जब से केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया है वो कहां पहुंच गया है? शिखर पर पहुंच गया है। तो अपोजी एक नाउन है, और इसका मतलब है समिट, पिनेकल, जेनिथ, टॉप, एपेक्स एंड पीक। प्लीज नोट डाउन करिएगा रोंची। ये वोकैबुलरी एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है इन तीनों एग्जाम्स के लिए। रांची से मुझे याद आया रांची, और रांची शहर में आपको पता होगा कैसे लोग हैं, थोड़े से मतलब लाइक ऐसे, वहाँ नक्सलवाद भी ज़्यादा है। तो रांची में जो नक्सली लोग हैं वो कैसे हैं? अश्लील और घटिया लोग हैं। बस ये ट्रिक्स बनाई गई हैं, तो प्लीज़ इसका कोई बुरा ना मानिएगा। जो रांची शहर के बच्चे हैं वो भी ऐसा ना समझें कि मैं उनके लिए ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं,
रोंची से याद आया रांची। रोंची एक एडजेक्टिव है जो किसी के करैक्टर को क्वालिफाई कर रहा है या किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एक मॉडिफाइंग वर्ड्स है। रोंची से याद आया रांची, और रांची शहर में कैसे लोग हैं? हेमंत देखिएगा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। रांची से याद आया रांची, और रांची शहर में कैसे लोग हैं? सर रांची शहर में बहुत ही अश्लील और घटिया लोग हैं। ऐसे लोग जो अश्लील, रांची से याद आया रांची, रांची शहर में कौन रहता है? नक्सली। मतलब नक्सली वहां रोजाना ऐसी हरकत करते रहते हैं, और वो कैसी हरकत करते हैं? घटिया और असली। तो इसके क्या हो सकते हैं? वाउडी, VAWDY, फिल्दी, FILTHY, घटिया। स्क्वालिड, इस क्वालिटी की लीड कानों को गंदा कर देगी, घटिया कर देगी। मतलब घटिया लीड यूज नहीं करनी है जो ईयरफोन है। बल्गर भी बिल्कुल इसका सही है। अश्लील, अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य, और रस्टिक का मतलब सर बहुत ही गंवार और अश्लील, ठीक है ना। रस्टिक भी सही आंसर है, अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य भी बिल्कुल ठीक है, बल्गर भी ठीक है, एंड स्क्वाइलिड, फिल्दी एंड वाउडी। ओके, तो रांची से हमें याद आया रांची, और रांची शहर में कैसे लोग रहते हैं? अश्लील और घटिया लोग हैं। रांची एक एडजेक्टिव है, प्लीज नोट डाउन करिएगा। एंड कैजोल, कैजोल से प्यारे साथियों हमें याद आया, कैजोल एक वर्ब है, हमें काजोल, काजोल एक्ट्रेस का नाम आपने सुना होगा, तो कैजोल से हमें याद आई काजोल, और काजोल एक्ट्रेस की हम चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि जिससे उसके साथ हमें काम करने को मिल जाए, मतलब मूवी में हम उसके साथ काम कर सकें। किसी के जूते चाटना, तलवे चाटना, फ्लैटर, फ्लैटर मतलब चापलूसी, ल्योर, ल्योर मतलब किसी के पीछे पीछे चलना, मतलब अपने स्वार्थ के लिए भी आप कह सकते हो किसी की तारीफ, किसी के जूते, किसी के तलवे चाटना। तो कैजोल से हमें याद आया काजोल, और काजोल की हम क्या कर रहे हैं? काजोल की हम चापलूसी कर रहे हैं जिससे कि हमें उसके साथ काम करने को मिल जाए। तो कैजोल का मतलब होता है फ्लैटर करना, लेओर करना, चापलूसी करना। आगे बढ़ते हैं कोवेनेंट। कोवेनेंट से दो वर्ड छुपे हुए हैं। कोवेनेंट क्या है? एक नाउन है। कोवेनेंट से हमें क्या याद आ रहा है? कोवा और आंट, और कोवा और आंट में क्या समझौता, क्या हो गया है? सर कोवा और आंट में आपने देखा होगा, एक कोवा और एक आंट का मतलब चींटी एक दूसरे को देख नहीं सकते, मतलब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। लेकिन फाइनली सर अब क्या हो गया है? कोवा और आंट में समझौता हो गया है, और सर वहाँ का समझौता का मतलब एग्रीमेंट हो गया है, आपसी सहमति, एक जनरल कंसेंट हो गई, एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट किया है सर मैंने और मोहन ने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम दोनों इस 50-50% शेयरिंग लगाएंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, कोवेनेंट है। कोवेनेंट से क्या याद आ रहा है? कोवा और अंट में क्या हो गया है? कोवा और अंट में समझौता हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। कोवेनेंट एक नाउन है। अगला वर्ड प्यारे साथियों क्या होने वाला है? कैप्रीशियस। कैप्रीशियस से मुझे क्या याद आ रहा है? पीछे OUS आ रहा है, इसलिए एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव है, पीछे OUS आएगा तो एडजेक्टिव होगा। सर कैप के प्राइस, आपके जो कैप मैंने पहना हुआ है, इनके प्राइस एक जैसे होते हैं कि बदलते रहते हैं? कैप के प्राइस बदलते रहते हैं, मतलब कोई चीज जो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है या चेंजेबल है। सर चेंजेबल भी बिल्कुल सही है, वेरिएबल सर जो फिक्स नहीं है। सर फिकल का मतलब होता है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। ऑल्टरेबल सर बिल्कुल से, अब ये भी चल जाएगा, फ्लक्चुएट, FLUCTUATE, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट। आपने देखा होगा जब लाइट जाती आती है हम बोलते हैं सर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो सर फ्लक्चुएट भी एक बिल्कुल एग्जैक्ट सही वर्ड है। कैप्रीशियस से याद क्या आएगा मुझे बताइए? कैप के प्राइस क्या होते रहते हैं? कैप के प्राइस बदलते रहते हैं, तो कैप्रीशियस का मतलब हुआ सर कोई भी चीज़ जो चेंजेबल है, वेरिएबल है, फिकल है। फिकल मतलब सर दैट इज नॉट फिक्स्ड, मतलब दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, जो डायनामिक है, ऑल्टरेबल है, एंड फ्लक्चुएट। नोट डाउन करिएगा। डिवियस से क्या याद आया? डिवियस से याद आया देवी, और देवी से याद आई वैष्णो देवी, और जब आप वैष्णो देवी पर जाओगे ये पीछे OUS आ रहा है, और इसलिए ये एडजेक्टिव है। क्या है? एजेक्टिव है। तो डिवियस से याद आई देवी, और वैष्णो देवी का मार्ग कैसा है? ये सीधा है या घुमावदार है? सर इनडायरेक्ट, आर्टफुल, कोई चीज जो बिल्कुल क्या है, सीधी ना हो, ठीक है ना, मतलब जो सीधी ना हो, जो क्या हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, या फिर जब कभी आप किसी से सीधी सीधी बातें नहीं करते हैं और आप इनडायरेक्ट घुमा फिरा कर बातें करते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डिवियस, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। जैसे आपने कहा सर ये रास्ता कहाँ जाता है, क्या सीधा रास्ता है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये डिवियस रूट है दिल्ली के लिए, मतलब आपको घूम के दिल्ली ले जाएगा। तो सर डिवियस एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है देवी, और वैष्णो देवी का मार्ग कैसा है? घुमावदार, मतलब सर टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ये भी बिल्कुल सही है सर, किसी से घुमा फिरा के बातें
करना इनडायरेक्ट भी सही है और आर्टफुल का मतलब भी होता है चालाकी, मतलब लाइक चीजों को डायरेक्टली ना कह के बल्कि उनको इनडायरेक्ट वे में घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर पेश करना। और सर अगला वर्ड क्या है, पेंसिव। पेंसिव से मुझे याद आया दो शब्द हैं इसमें, पेन और सिवजी, पीछे आई वी ई आ रहा है इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ओ यू एस आई वी ई ई एन टी ए एन टी, ये सारे एडजेक्टिव होंगे, मैं बताने वाला हूँ जल्दी। तो प्यारे साथियों पेंसिव से मुझे याद आया पेन और सिवजी, और सिवजी जब भी पेन लेकर बैठते हैं तो क्या होते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। शिवजी जब भी पेन लेकर के बैठेंगे, डायरी और पेन लेकर के, तो सबका हिसाब लिया जाएगा, पृथ्वी पर किसने क्या क्या किया है। सुधीर सर को स्वर्ग में भेजा जाएगा, बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बनाई हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको किधर भेजा जाएगा, बेटा नरक में मेरे बगल में डाल दिया जाएगा, वहां भी मैं तुम सबको पढ़ा ही रहा हूंगा, ठीक है ना। तो पेंसिव से याद आया शिव और पेन, और शिव जी जब भी पेन लेकर बैठेंगे सर विचारों में डूब जाते हैं। डीम क्या होता है सर, डीम का मतलब होता है विचार मग्न होना। थॉटफुल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा, मतलब सर विचारों में डूबा हुआ हूं, चिंतन चल रहा है। पोंडर का मतलब होता है सर विचार करना, किसी चीज पर सर गहन चिंतन हो रहा है। एंड म्यूज भी सही है, एम यू एस ए, म्यूज का मतलब होता है सर मैं म्यूजिक सुनता रहता हूं, मतलब सर म्यूजिक सुनना चाहिए जिससे एक अच्छा चिंतन होता रहता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं सर, म्यूजिक सुनना चाहिए कि नहीं इस पर अभी विचार चल रहा है। पॉन्डर मतलब विचार करना, म्यूज थॉटफुल, एंड डीम। सर आगे बढ़ते हैं, पैंडेमोनियम, पीछे आई यू एम आ रहा है इसलिए एक नाउन है, म्यूजियम एक नाउन है, मीडियम एक नाउन है, सर स्पेक्ट्रम एक नाउन है, बहुत सारे वर्ड जिनके पीछे आई यू एम आएगा वो नाउन होंगे। और सर पैंडेमोनियम से दो शब्द याद आए, पंडे और मुनि। ये बताइए जब आपके घर के पास पंडे और मुनि सुबह सुबह जब ओम का जाप करते हैं तो लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो लंबे समय तक किया जाए, पंडे और मुनि जब ओम का जाप करेंगे तो हो हल्ला होगा कि नहीं, शोरगुल होगा कि नहीं। कमोशन, कमोशन एक नाउन है, नोइज मतलब सर बहुत ज्यादा शोर शराबा, डिस्टर्बेंस। एंड रकश, र्यूकस, र्यूकस का मतलब भी होता है सर शोर शराबा, बहुत ही ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा हो हल्ला, सर शोरगुल हो रहा है, मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो पैंडेमोनियम से याद क्या आएगा, जैसे मुझे कैसे याद है पंडे और मुनि जब भी ओम का जाप करते हैं सर बहुत ही हो हल्ला और शोरगुल करते हैं, तो कमोशन इज द राइट आंसर, नोइज इज द राइट आंसर, ये सिनोनिम्स हैं डिस्टर्बेंस एंड रिक्वस। ओके आर यू सी के यू एस। अगला वर्ड क्या है, बेलिकोस, एक एडजेक्टिव है, क्यों किसी नाउन को डिफाइन उसके नेचर के बारे में बता रहा है। ये बताइए इसमें दो वर्ड है, बिल्ली और ग्लूकोज। जब बिल्ली को आप ग्लूकोज पिला दोगे, भाई कुत्ता बिल्ली ये सब हो गए, इनको दही या ग्लूकोज वगैरह ऐसे, इनके अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि जब भी इन्हें खट्टा या कुछ ऐसा खिलाओगे तो बहुत ज़्यादा इनकी नेचर चेंज होगी, तो ये आप पर ही अटैक कर देंगे। तो बिल्ली को जब ग्लूकोज पिलाओगे तो क्या करेगी, प्यार करेगी कि आपको, इसे झगड़ालू हो जाएगी, आपको ही काट लेगी सर जी। क्वारलसम, क्वारलसम का मतलब झगड़ालू, डिस्प्यूटेबल सर, ऐसे लोग जो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वॉरलाइक मन है सर, ये बंदा बहुत ही वॉरलाइक नेचर है इसकी, मतलब तुरंत लड़ने के लिए तैयार रहता है। बेलिकोज एक एडजेक्टिव है, बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो जाएगी, शांति से क्या करेगी, आपके साथ खेलेगी क्या, आपके ले लेगी सॉरी गाइस, तो बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गई है, झगड़ालू हो गई है, मतलब सर क्वारलसम हो गई है, डिस्प्यूटेबल हो गई है, एंड वॉरलाइक, समझ में आया। एंड सर फ्रेल का मतलब क्या होता है, यार फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो प्यारे बच्चों रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, फ्रेगाइल हो जाएगा। फ्रेगाइल का मतलब होता है नाजुक, जो चीज़ें आसानी से टूट जाएं, ब्रेकेबल। फ्रेल का मतलब आया फ्री में रेल की यात्रा। सर ये क्या है, नाउन एक एडजेक्टिव, सर एक एडजेक्टिव है क्यों, किसी की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जा रहा है, मतलब एक मॉडिफाइंग वर्ड है, किसी के नेचर को डिफाइन कर रहा है कि कमजोर, सर वो आदमी कमजोर है, तो यहाँ पे आदमी को डिफाइन कर रहा है। तो फ्रेल से याद क्या आएगा, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो सर वीक भी सही है, फ्रेगाइल माने बहुत ही कमजोर, एंड ब्रेकेबल जो आसानी से टूट जाए। और अगला वर्ड क्या है, नेव। नेव से दो वर्ड आए, नाव से मतलब नाव, और ये बताओ भारत में कहीं भी जो बच्चे नाव, जो जो लोग नाव बनाने वाले होते हैं कौन होते हैं,
नेव से याद आया, नाव, और नाव बनाने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं होता, मतलब समुद्र के किनारे बेचारे बस नाव बनाते रहते हैं, मतलब सीधे साधे लोग होते हैं, मतलब सर कैंडिड लोग होते हैं, मतलब सर फ्रैंक लोग होते हैं, बिल्कुल आउट स्पोकन लोग होते हैं, जो मन में आता है सर वही बोलेंगे, कुछ भी उनके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, सेल्फिशनेस, सेल्फिशलेस होते हैं, सेल्फलेस होते हैं सर, निस्वार्थ भाव से वो काम करते हैं, रोजाना की रोटी कमाते हैं और घर जाते हैं, दो नंबर का कोई पैसा नहीं कमाते। नेव से याद आया नाव, और नाव बनाने वाले लोग कैसे हैं प्यारे साथियों, नाव बनाने वाले कैसे हैं सर, बहुत ही ज्यादा सीधे साधे और निष्कपट हैं, और नेव भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि सर ये किसी को डिफाइन किया जा रहा है, और नेव एक नाउन का भी काम करता है, ठीक है ना सर। ग्रंपी, ग्रंपी से याद आया, ये बताइए गर्म चाय जब आप पियोगे, ग्रंपी में क्या छुपा हुआ, गर्म चाय, गर्म पी जब भी गर्म चाय पियोगे तो ये बताओ जीभ जल जाएगी, तो क्या हो जाएगी आपकी नेचर, चिड़चिड़े से हो जाओगे, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड सरली, सरली बहुत ही प्यारा वर्ड एंड एम आया हुआ है, मतलब सर गर्म चाय पियोगे तो क्या होगा सर जी, क्या आ जाएगा, थोड़ा जीभ जलेगी तो इरिटेशन सा बढ़ जाएगा, मतलब सर बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मतलब सरली नेचर का, फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड, जो हमेशा परेशान से रहते हैं, जो हमेशा परेशान से रहते हैं तो ग्रंपी एक एडजेक्टिव है, गरम चाय पीने वाले लोग कैसे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड एंड सरली, जिन्हें जल्दी गुस्सा आ जाए, मतलब सर तुरंत ये एग्रेसिव सा रहता है, मतलब हमेशा ये इरिटेटेड, बहुत ही ज़्यादा इसके नाक पर क्या है, गुस्सा रखा रहता है। और एक्सटोल, एक्सटोल माने क्या है, एक वर्ब है, ये प्रशंसा करना, ये बताइए जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं, एक्स्ट्रा टॉल, जिनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, जिनकी हाइट अच्छी होती है, मेरी जैसी 6 फुट की हाइट होती है, वो लोग कैसे होंगे, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की हमेशा प्रशंसा होती है, ठीक है ना भाई, जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं और बॉडी सुधीर सर जैसे बाइसेप्स हैं, तो सर क्या होगी उनकी हमेशा क्या होगी, प्रशंसा होगी, और इसलिए सर एक्स्ट्रॉल एक वर्ब है, इसके क्या क्या हो सकते हैं, अपलोड माने प्रशंसा, प्रेज माने प्रशंसा करना, अप्रिशिएट प्रशंसा करना, एंड कमेंट का मतलब भी क्या है, प्रशंसा करना होता है, तो एक्स्ट्रॉल से याद आया एक्स्ट्रा टॉल, और जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं सर उनकी हमेशा प्रशंसा होती है, उसका मतलब है सर अपलोड, बहुत ही प्यारा वर्ड है, प्रेज, अप्रिशिएट एंड कमेंट, और सर अगला वर्ड क्या है, कास्टिगेट। ओहो सर, कास्ट की वजह से, जाति की वजह से मुझे गेट पर डांटा और फटकारा गया, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना, यार आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हर एक वर्ड को ये देखा करो कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, क्या है ये, तो कास्टिगेट सर, कास्ट की वजह से, सर मैं कौन था, मैं था सर जाटव, मैं था भंगी सर, और मुझे कास्ट की वजह से गेट पर डांटा गया, मतलब सर फटकारा गया, मैं लोअर कास्ट से था, मतलब सर किसी को रेप्रीमेंड करना, रिव्यू करना, चाइड माने डांटना या फटकारना, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड भी सही आंसर है सर, चाइड भी डांटना या फटकारना, रिव्यू बहुत ही प्यारा वर्ड है, किसी को डांटना या फटकारना, एंड रेप्रीमेंड, सर मेरे पिताजी ने जब मैं एग्जाम में फेल हुआ तो बुरी तरह से मुझको क्या किया, कास्टिगेट किया, कास्ट की वजह से मुझे गेट पर डांटा और फटकारा गया, एंड स्कॉल्ड, स्कॉल्ड इसी का आंसर है, पॉपर, पॉपर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये बताओ पापड़ से मुझे क्या याद आ रहा है, पापड़, और पापड़ बेचने वाले लोग कैसे होंगे, अरे यार जो पापड़ बेचेगा वो ये बताओ बहुत अमीर होगा या गरीब होगा, अरे ऑब्वियस सी बात है भाई गरीब होगा, जो लोग तुम में से क्या करेंगे, जो एयरफोर्स में नहीं होंगे, नेवी में नहीं होंगे, क्या करोगे, अभी जो इस टाइम नहीं पड़ेगा आगे जाके क्या करेगा, पापड़ बेचने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये रियलिटी है, क्योंकि आगे बहुत ही बेरोजगारी बढ़ने वाली है, तो जो इस टाइम मस्ती कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, आगे जाके आलू के पराठे और पापड़ बेचेंगे भैया, तो पॉपर से याद आया, पापड़, और पापड़ बेचने वाले कैसे होंगे सर, पुअर होंगे, इंडिजेंट, इंडिया के एजेंट कैसे हैं, गरीब, तो सर इंडिजेंट भी इसका सिनोनिम्स है, और डेस्टिट्यूट का मतलब भी है गरीब, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है सर, पॉपर से याद आया पापड़, और पापड़ बेचने वाले गरीब, फियास्को, फीस को, इसमें दो वर्ड हैं, फीस को तुम समय पर नहीं जमा करोगे तो ये बताओ तुम्हें सफलता मिलेगी असफलता, अरे भाई जो फीस को जमा नहीं करेगा तो उसे टीचर रहेगा नाराज, और टीचर नाराज रहेगा तो उसका मन नहीं लगेगा, मतलब वो पढ़ाएगा नहीं, और इसलिए तुम सफल हो नहीं सकते, और इसलिए फियास्को का मतलब होता है फेलियर सर, ब्रेक डाउन, अनसक्सेसफुल, नॉट सक्सेडेड, ओके। फियास्को से क्या याद आया, फियास्को सर क्या है, एक नाउन है, फियास्को क्या है, एक नाउन है सर, फेलियर, फेलियर माने असफलता,
ब्रेकडाउन का मतलब सर चीजें ना मिल पाना, असफलता एंड अनसक्सेसफुल का मतलब क्या है सर असफल होना किसी चीज में, नॉट सक्सेसफुल नॉट एबल टू बी सक्सेड। तो सर फियास्को का मतलब है फीस को समय पर ना देने से असफलता मिलेगी। एंड सर बेनेवोलेंट क्या होता है ये बताइए सर, बेनेवोलेंट ENT आ रही है, ये पीछे का एडजेक्टिव है, तो सर ये डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि ENT क्या होते हैं। तो बेनेवोलेंट से याद आया बेनी बाबा, और जो हमारे बगल में बेनी बाबा रहते हैं सर वो बहुत ही दयालु और उदार हैं, उनका दिल कैसा है काइंड हार्टेड हैं, वो बहुत ही अम्बल हैं, बहुत ही पोलाइट एंड एल्ट्रोस्टिक हैं। एल्ट्रोस्टिक का मतलब सर जो दूसरों की भलाई के बारे में बहुत सोचते हैं, जिनका दिल बहुत ही कोमल है सर, कोमल का मतलब सर अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ मर्सी इन देयर नेचर और अ पर्सन हैविंग अ मर्सीफुल नेचर। बेनी बाबा कैसे हैं, दयालु और उदार हैं। तो बेनी बाबा जो हमारे बगल में रहते हैं वो कैसे हैं, दयालु और उदार हैं, काइंड हैं सर वो, अम्बल हैं, पोलाइट हैं, एल्ट्रोस्टिक हैं। तो काइंड, अम्बल, पोलाइट, एल्ट्रोस्टिक चारों ही सिनोनिम सही हैं। काइंड मतलब सर पर्सन दयालु, बहुत ही ज्यादा, अम्बल का मतलब सीधा बहुत, पोलाइट विनम्र, एंड एल्ट्रोस्टिक का मतलब जो आदमी हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड हु रिनाउंसेस होल लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देता है केवल दूसरों के कल्याण के लिए। और एवंडन से याद आया ये एक वर्ब है, अब बंधनों को क्या कर दो बेटा, बंधन से समझ में आया अपने रिलेशन या तुम्हें सफलता पानी है तो अब बंधनों को छोड़ दो, मतलब चाची के बर्थडे, मौसी का बर्थडे, भाई के बर्थडे, इन सब को बंद करो, पढ़ना शुरू करो। तो ये बताओ सफलता पाने के लिए बंधनों को लगाना पड़ेगा गले के, छोड़ना पड़ेगा, अरे छोड़ना पड़ेगा। तो एवंडन का मतलब होता है छोड़ना, मतलब लीव करना किसी चीज को, रिनाउंस माने त्याग देना। कहते हैं ना सर डोंट गिव अप, मतलब हिम्मत मत हारो। तो सर हारना किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप कर दीजिए, ठीक है ना सर, क्विट कर दीजिए। मैं क्विट किस बात की कर रहा हूं, किसी चीज को छोड़ दीजिए, कोई बुरी आदत है उसे छोड़िएगा सर। अपना एक टारगेट डिसाइड करिए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, और सर पागलों की तरह लग जाइए, पागलों की तरह, कैसे लग जाइए, पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाइए, कोई आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। और लेविस किसे कहते हैं, लेविस एक एडजेक्टिव है, पीछे ISHRI है, किसी मॉडिफाइंग वर्ड है, तो लेविस एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, ठीक है। तो सर लव की है विश, यदि लव माने प्यार की विष है तुम्हारे आज, आज तुम यार प्यार की विष, प्यार करना चाहते हो, और तो दिल अच्छा चाहिए कि पैसे, बिना पैसे के ना दिल से कुछ होगा ना दिमाग से। तो सर जी लव की है विष, तो तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा, खर्चीला। तो सर प्रोडिगल माने क्या होता है, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ही खर्चीला है सर। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी क्या होता है सर, ये पैसा बहुत ही वेस्ट करता है, मतलब बहुत स्पेंड मनी क्विकली। और वेस्टफुल का मतलब भी बर्बादी, वेस्टफुल ऑफ, वेस्टेज ऑफ मनी सर, बहुत ज्यादा पैसा है, चाचा विधायक हैं, और इसलिए सर पैसे की क्या है, बहुत अपार पैसा है, इसलिए बर्बादी है, मतलब कोई टेंशन नहीं। तो लव की है विष, तो तुम्हें बनना पड़ेगा खर्चीला, और खर्चीला मतलब प्रोडिगल, इसी बार NDA में आया हुआ है प्रोडिगल। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब सर बहुत अधिक खर्चीला, स्पेंड थ्रिफ्ट एंड वेस्टफुल। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपके इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, तो सर मेरे अंदर कोई चीज कुछ बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होते होंगे, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।